अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। आज मैं बना रही हूँ खड़े मसूर की दाल, काली दाल जिसे हम लोग बोलते हैं। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, बहुत ही चेंज मैं बनाती हूँ। जिस तरह हम लोग डेली रूटीन में ये दाल बना रहे होते हैं तो इसकी रेसिपी उससे चेंज बनती है। टेस्ट में भी बहुत चेंज होती है। दाल को देख के आपको आइडिया हो रहा होगा कि बिल्कुल मलाई की तरह घुली मिली, बिल्कुल सॉफ्ट ये बनती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आपने भी इसी रेसिपी से ये दाल बनानी है और फिर मुझे अपना फीडबैक लाजमी देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधे किलो दाल को आधे घंटे के लिए नीम गर्म पानी में सोख करके रखा था। दाल देखिए थोड़ी थोड़ी फूल भी गई है। अब प्रेशर कुकर में मैं दाल डालूंगी और इसके बाद मैंने एक अदद प्याज थी छोटे साइज़ की, एक अदद टमाटर था छोटे साइज़ का, उनको ब्लेंड करके वो मैंने दाल में ऐड किया है। और अब मैं इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करूँगी। बहुत ही कम स्पाइसेस से ये बनके तैयार होगी। आधा चम्मच हल्दी है, एक चम्मच लाल पिसी हुई मिर्चें हैं, एक चम्मच धनिया का पाउडर है, एक चम्मच गरम मसाला है और एक चम्मच नमक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है। और जिस ब्लेंडर में हमने हरी मिर्चों को टमाटर को और प्याज को ब्लेंड किया था उसी ब्लेंडर में पूरा पानी से उस ब्लेंडर को हम अच्छी तरीके से साफ़ करके इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, कुछ भी कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया नहीं होनी चाहिए। इससे अल्लाह ताला हमारे खाने में बहुत बरकत देता है। 4 से 5 जवे मैंने डाल दिए थे लहसुन के और कुकर बंद करके मैंने दाल को गलाने के लिए रख दिया था 20 मिनट के लिए। 20 मिनट बाद देखे मैं दिखा रही हूँ, प्रेशर कुकर में दाल जल्दी गल गई थी। अगर आप नॉर्मल पतीली में बनाएं तो आपको तकरीबन इसमें 25 से 30 मिनट लग सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल घुली मिली दाल बिल्कुल तैयार थी मेरी। अब मैंने क्या किया था, धनिया मैंने इसमें ऐड किया था चॉप करके। एक गड्ढी समझ ले मेरे पास धनिया था तो मैंने उसमें एक मुट्ठी धनिया लिया था वो ऐड किया है। और तकरीबन 3 से 2 चम्मच जो है, अगर आपके पास इमली हो तो 2 चम्मच आप इमली डाल दें, वरना आपने पेस्ट इमली का पेस्ट डाल दें या तो फिर आप लेमन डाल दें, लेमन जूस डाल दें 2 चम्मच। देखिए बस दाल मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल देखिए मक्खन की तरह आपको लग रही है, ये रेडी है। अब चलते हैं इसके भगार की तरफ। देखिए भगार के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें ली थी। देखिए हरी मिर्चों को बस हमने बीच में से इस तरह कट करना है और एक चुटकी के बराबर नमक, जितना बिल्कुल थोड़ा सा नमक हमने इसके अंदर ऐड करना है। इसी तरह मैं सारी मिर्चों को भर लूँगी। ये मैंने 8 से 10 मेरे पास मिर्चें थी। अच्छा, तली हुई मिर्चें हरी जो दाल चावल हैं उसके साथ बहुत मज़े की लगती हैं, तो इसलिए मैं भगार करने से पहले ये मिर्चें दाल में ही जो भगार का ऑयल होता है उसमें कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऑयल मेरा भगार के लिए गरम था, बस ये मिर्चें मैंने इसमें ऐड की हैं। और इस वक्त हमें बहुत एहतियात से इसमें काम करना है क्योंकि तेल गरम होता है तो मिर्चें जो हैं वो देखिए इसमें जाते ही फ़ौरन इसकी छींटे उड़ने शुरू हो जाती हैं, तो हाथ जलने का डर होता है, तो बहुत एहतियात से हमें यहाँ पर काम करना है। मिर्चों का बस जैसे ही हमारा कलर देखिए थोड़ा सा चेंज होगा इसको मैं निकाल लूँगी। और देखिए मिर्चें इन अपना कलर चेंज कर चुकी हैं और ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी सी हो गई हैं। बस मैं इन्हें डिश आउट करूँगी और अब इसी तेल में हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। जो भी स्पाइसी लवर होंगे उनका इस वक्त मुंह में पानी आ रहा होगा मिर्चें देख के, मुंह में आपके ज़रूर इस वक्त पानी आ रहा होगा ये हरी मिर्चें देख के। तो अब देखिए भगार के लिए चलते हैं। ऑयल हमारा गर्म था, यहाँ पे मैंने एक प्याज को चॉप कर लिया था बारीक, ये ऐड करूँगी। जैसे ही प्याज थोड़ी सी हमारी ब्राउन हो जाएगी देन मैं आगे के इसमें अपने स्पाइसेज ऐड करूँगी। देखिए एक चम्मच जीरा था, आधा चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच अजवाइन, ये दोनों चीज़ें डाल के अच्छी तरीके से हमने भगार को प्याज को अपने ब्राउन करना है। अच्छा, कुछ लोग इसमें काली दाल में भगार करते हैं लहसुन का, लेकिन मैं इसमें प्याज का भगार करती हूँ। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि आपको इसका यूनिक टेस्ट कैसा लगा। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियोस को पूरा देख के वॉच करके लाइक करना है और मुझे कॉमेंट लाजमी करना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। यह आपका प्यार होता है जो मुझे हिम्मत देता है कि मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहूँ। तो देखिए दाल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रेडी थी। अब मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़े की कम स्पाइसेस वाली दाल, घर में अगर आपके पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट, शुगर पेशेंट कोई भी है वो आराम से ये दाल खा सकते हैं क्योंकि हमने इसमें कोई ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं किए, कोई ज़्यादा हमारे ऐसे इसमें चीज़ें नहीं है कि उन जो हमारे घर में बुज़ुर्ग होते हैं उनके लिए नुकसानदेह। दाल मेरी रेडी थी। अच्छा, दाल को मैंने जो पर्सनली मैं दाल खाना पसंद करती हूँ वो मैं ज़ीरा राइस के साथ ही मैं पसंद करती हूँ खाना, तो मैंने इसे सर्व किया था ज़ीरा राइस के साथ। अब मैं आपको दिखाती हूँ आगे। देखिए चावल यहाँ पे मेरे रेडी थे। अब जो हरी मिर्चें थी वो मैंने इसमें दाल के साथ हरी मिर्चें भी सर्व की थी, जो हमने नमक वाली मिर्चें बनाई थी वो भी मैंने इसके साथ सर्व की हैं।
और इसके साथ मैंने बनाया था जो कचुम्बर वाला सैलेड होता है वो, और रेड सॉस मैंने बनाया था। इनकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आपको आगे इन फ्यूचर वीडियोज़ में ज़रूर दूंगी। तो देखिए हमारी परफेक्ट सी मील, बिल्कुल सिंपल सी मील रेडी है। बहुत ही मज़े की सिंपल मील है ये। जब आपका कुछ समझ ना आए पकाने के लिए, कि सबसे बड़ी टेंशन यही होती है मदर्स की कि यार आज क्या पकाएं, तो अगर तो आपको कुछ ना समझ आए तो एक दफ़ा आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है और फिर मुझे आपने लाजमी बताना है। काइंडली अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, अल्लाह पाक आपके और हम सब की जितनी भी परेशानियां हैं उन सब परेशानियों को दूर फरमाए, और हमारी जितनी भी दिलों में जायज़ मुरादें हैं अल्लाह ताला हम सब के ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। आमीन। मैं इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।